अपने वचन का पालन करो ये बच्चों को सिखाना है, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बच्चे के पहले गुरु जो रहते हैं वो माँ बाप रहते हैं, स्पेशली माँ। पहली गुरु जो है वो माँ रहती है। जो भी संस्कार बच्चे के ऊपर करते वो माँ पहले करती है, घर के लोग करते हैं, और बच्चा जो है वो देखता है और वो करता है। जो सुनता है वो नहीं करता, जो देखता है वो करता है। क्या देखता है? एक्शंस देखता है। तो माँ बाप ने हरदम एक्शंस के जरिए बच्चे के ऊपर संस्कार करना जरूरी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि माँ बाप ने और घर के सभी व्यक्ति, जब मैं माँ बाप बोल रहा हूँ मतलब सभी व्यक्ति, बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि अपने वचन का पालन करो। रामायण में भी बोला है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वॉक एज यू टॉक। मगर बच्चों को हम ये सिखाते नहीं है। बच्चों को सिखाने के पहले अपने को करना पड़ेगा। जो बोला वो करो, और जो समय पे जो बोला वो समय पे वो करो। मतलब जो आपने बोला है वो करो, जो आपने प्रॉमिस दिया है वो करो। और प्रॉमिस देने के समय आप एक समय टाइम दो। जब आप प्रॉमिस दे रहे हैं किसको, तो उस समय टाइम दो कि ये प्रॉमिस मैं पूरा करूंगा ये समय पे, ये टाइम पे, वक्त ये मंगलवार को, बुधवार को, तारीख ये, इतने बजे मैं पूरा करने वाला हूँ। तो फिर क्या होता है, अपने शब्दों को कीमत आती है। वचन जो है, वाचा सिद्धि लाना है किसमें, तो पहले ये सिखाना पड़ेगा कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं। और एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपकी एक्शंस जो है, कृति जो है, वो उसका आवाज जो है वो बहुत दूर तक आ जाता है। तो जो आपको मालूम है वो करो, और जैसा मालूम है वैसा करो। मतलब अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरा ज्ञान लगा के, पूरी समझ लगा के, जो भी आपको मालूम है वो आपने करना है, और वो समय पे करना है, ऐसा नहीं कभी भी कर लेना है। और तीसरा है कि जो लोगों की अपेक्षा है वो करो, क्योंकि लोगों की अपेक्षा हमने पूरी नहीं किया तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो लोगों की अपेक्षा का पालन करना है, तो लोगों की अपेक्षा की पूर्ति करना है, और जो समय पे करना चाहिए वो समय पे करना है। सो जो बोला वो करो, जो समय पे बोला समय पे करो, नंबर एक। नंबर दो, जैसा आपको मालूम है करना चाहिए, जो समझ है, जो ज्ञान है, वो उसका पूरा इस्तेमाल करके वो करो, समय पे करो। और तीसरा, लोगों की जो अपेक्षा है उसकी पूर्ति करो, और वो भी समय पे करो। और यदि अपेक्षाओं की पूर्ति आप नहीं कर सकते तो बोलो कि अपेक्षा की पूर्ति मैं करने वाला नहीं हूँ। अब देखिए, बच्चों को ये सिखाया जाए तो कितना आसान हो जाएगा, बच्चों का जीवन, अपना जीवन भी। बच्चों को हम सिखाते हैं कि नहीं, समय पे करो, जो भी करना है उसको टाइम टेबल सिखाते हैं, उसको शेड्यूलिंग सिखाते हैं, घड़ी सिखाते हैं, और घड़ी के मुताबिक कैसे करना चाहिए, वो कौन से समय पे क्या करना चाहिए, कितने समय में वो टास्क होगा, पढ़ाई कितने समय तक करना चाहिए, खेलना कितने समय तक है, टीवी, मोबाइल, गपशप, सब जो है वो कब कब करना चाहिए, और जो समय पे बोला समय पे वो करो, ताकि आप एक रिलायबल इंसान हो जाते हैं, एक ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं। मालूम है कि नहीं, ये बोला है तो करेगा, इसने बोला है तो करेगा, डेफिनेटली। नहीं तो क्या होता है, जब आप आपके शब्द का पालन नहीं करते, हाँ हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ ऐसा बोल देते और उसका पालन करते नहीं है, तो फिर होता क्या है, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि हाँ बोलता है, बाकी करेगा कुछ नहीं। बच्चों को हम बचपन से वैसे हम कंडीशनिंग करते हैं उसकी, कि ये पालन ही करेगा शब्द का, टाइम टू टाइम चलेगा, घड़ी के मुताबिक बराबर टाइम देख के चलेगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट उसके लाइफ में आएंगे, प्रोडक्टिविटी जबरदस्त बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ उसको ये भी सिखाने का है कि प्रामाणिकता से करो, प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी ये लंबी रेस का घोड़ा होता है। ऑनेस्टी नहीं है, मैनिपुलेशन है, लोगों को मूर्ख बनाने का है, थोड़ा सा इंप्रेशन जमा के कोई कुछ करना है, वो समय पे हो जाता है, मगर टिकता नहीं। लोगों को मालूम हो जाता है कि अपने को मैनिपुलेट कर लिया, अपना फायदा उठा लिया, ये इसके ऊपर विश्वास डाल सकते नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो मैनिपुलेट मत करो, सच्चाई से काम करो, सच्चे दिल से काम करो। कुछ नहीं है, कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी करने से भले ही पास हो जाएगा, उसको आदत लग जाएगी कॉपी करने की, सच्चाई नहीं है उसमें। उसको मालूम है कि झूठा ही रहना पड़ता है, झूठा ही काम करना पड़ता है, उसको ज्ञान कहाँ से आएगा, पास हो जाएगा, ज्ञान नहीं आएगा, फायदा क्या है। तो उसको ये भी सिखाओ कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रुथफुलनेस इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट लोगों के लिए रहो, लोगों के साथ में आप बर्ताव करते तब ऑनेस्टी से करो, और खुद के साथ में भी ऑनेस्टी से करो। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शकता, सब कुछ खुला है, कोई छुपा के नहीं है।
नहीं तो लोगों के बताने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं, बाहर से बताते एक है अंदर से अलग है। तो ऐसा ना करते हुए जो भी है वो आप ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं, क्लियर कट बता रहे, लोगों के साथ में बातचीत कर रहे, जो भी आपको लगता हो क्लियर कट बता रहे, ट्रांसपेरेंट है, चोरी छुपा के कुछ नहीं है, बताना एक करना दूसरा ऐसा नहीं है, तो उससे आपका जीवन जो है बहुत ही पावरफुल बनेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और वो हमको बच्चों को पहले से सिखाना है, और ये सब करने के लिए हमको पहले हमारे लाइफ में लाना पड़ेगा। हम लाइफ में लाते हैं तो बच्चे देख देख के सीख जाएंगे कि झूठ नहीं बोलना है क्योंकि मेरे पापा झूठ बोलते नहीं हैं, काम समय पे करना है क्योंकि मेरे पापा समय पे काम करते हैं, शब्द का पालन इसलिए करना है क्योंकि मेरी माँ शब्द का पालन करती है, उसने बोला कि मैं इतने बजे खाना खिलाऊंगी उतने बजे ही खाना खिला दिए, उसने बोला मैं चॉकलेट ला के दूंगी वो चॉकलेट ही ला के देती, उसने बोला मैं पेन ला के दूंगी वो पेन ला के देती है उस समय। तो ये जब उसको मालूम पड़ जाता है तो वो बहुत ही रिलैक्स रहता है, आपके ऊपर विश्वास करता है और वैसा व्यक्ति बन जाता है कि जिसके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।